कोरोना महामारी और उस पर पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से तिलमिलाए कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर इकट्ठा हुए करीब 50 से अधिक कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। चौंकाने वाली बात यह रही कि विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने फोटो खिंचाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देख मौके पर ज्ञापन लेने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश व सीओ सिटी अरविंद चौरसिया और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास में काफी झड़प भी हुई। नाराज हुए अधिकारियों की मंशा भाप कांग्रेसियों ने अपने को संभाला और ज्ञापन ले लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया। आज लोकतंत्र में तो अपनी आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, आज कांग्रेस पार्टी जनपद अयोध्या की डीजल मूल पेट्रोल वृद्धि को लेकर के जिस तरीके से कच्चे तेल का लगातार दाम गिरता गया, आज 40-45 रुपए 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल कच्चे तेल का दाम है, उसके बावजूद 80 रुपए लगभग बेचा जा रहा है। डीजल पेट्रोल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल और पेट्रोल से भी महंगा हो गया। डीजल लगातार डीजल और पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि हो रही है, उस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी का आज इन लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया अपना और ज्ञापन दिया है। इनकी मांग है कि मतलब डीजल और पेट्रोल